जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। ये जो टॉपिक है कि अंदर से खालीपन क्यों महसूस होता है, तो ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। हम बाहर की चीज़ों को कितना भी पाने, जो भी चीज़ें हमारी मटेरियल, जो भी थिंकिंग है, जो भी चीज़ों को हम पाना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को हम अचीव कर ले अपनी लाइफ में, कितना भी हम लोग आगे चले जाएँ, सब कुछ अच्छा है, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, अच्छा जॉब है, अच्छा मनी है, अच्छा पैसा आ रहा है, घूम रहे हैं हम, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर एक कमी, एक खालीपन सा ज़रूर होता है। आप भी कभी खुद से देखना, आपको भी कभी ना ज़रूर खालीपन सा महसूस होता होगा। तो आखिर ये खालीपन क्या है दोस्तों हमारी लाइफ में? मुझे भी बहुत खालीपन महसूस हुआ करता था पहले, बट अब खुद पर काम कर रही हूँ तो खालीपन थोड़ा थोड़ा अब कम लगता है, क्योंकि बाहर की चीज़ों को देखना काफ़ी अच्छा लगता है, बाहर की चीज़ों को पाना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, चलो ठीक है, वो तो अपनी जगह है। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं तो हमें फिजिकल प्लेन पर हैं, तो मटेरियल वर्ल्ड में जितनी चीज़ें हैं वो हमारे जीने के लिए ज़रूर आवश्यक है और हमें करनी भी चाहिए। हमें अच्छी जॉब ज़रूर चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप भी चाहिए, अच्छा फैमिली भी चाहिए, अच्छा घूमना फिरना, अच्छा पैसा भी चाहिए, चलो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी क्यों क्यों खालीपन सा अंदर लगता है? कभी आपने सोचा रुक कर? आप सबको लगता होगा दोस्तों, जब क्योंकि हम एक मनुष्य हैं, हमारे अंदर जो सर्वाइव कर रहा है वो है एक सोल, हमने उस सोल को भुला दिया है, उसी सोल को खालीपन सा महसूस होता है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को सब कुछ दे रहे हैं, बट हम जब सोल की बात आती है तो हम उसको वो चीज़ देना छोड़ देते हैं जो उसको चाहिए। और सोल को क्या चाहिए दोस्तों? सोल को चाहिए प्यार, सोल को चाहिए शांति, सोल को चाहिए सुख, और सोल को चाहिए आनंद, सोल को चाहिए प्यूरिटी, सोल को चाहिए लव। ये सारी चीज़ें सोल के अंतर्गत आती है। तो हमें बाहर की जितनी भी सारी चीज़ों को हम पा लेते हैं, फिर भी अंदर से खालीपन सा लगता है, क्योंकि हमारे अंदर जो एक छोटा सा बेबी होता है, जो हमारा सोल होता है, वो हमारे अंतर आत्मा होती है, उस पर हम ध्यान देना छोड़ देते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, यानी खुद की इच्छाओं को हम मार देते हैं, खुद की खुशियों को हम इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, बड़ी बड़ी चीज़ों को पा लेना खुशी देता है, बट कुछ वक्त के लिए, लेकिन जो रियल चीज़ें होती हैं, जो हमेशा आपको खुशी देती है, वो है आपका खुद का खुशी, कि आप क्या करने चाहते थे लाइफ में, छोटी छोटी खुशियाँ, खेलना कूदना, कोई पेंटिंग करना, डांस करना, आपके अंदर की जो भी क्रिएटिविटी है उस पे ध्यान देना, यहाँ जाना वहाँ जाना, आज़ाद ख्यालों के साथ लाइफ को जीना। हमने आज क्या किया है ना, खुद को इग्नोर करके और बाहर की चीज़ों को पाने की कोशिश की है, और हम सोचे कि हमारे अंदर का सब कुछ हमें मिल जाएगा, बट वो होता नहीं है दोस्तों, होता नहीं। तो हमें अपने आप को खालीपन से दूर करने के लिए, हमें अपने अंदर की बच्चे, अपने अंदर के चाइल्डहुड से जुड़ना चाहिए, अपने अंदर की आत्मा से जुड़ना चाहिए। उसको क्या हैप्पी महसूस होता है, उसको हैप्पी करने के लिए हमें वो चीज़ करना चाहिए। हमारी अंतर आत्मा हमें हर बार बोलती है कि ये करो वो करो, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को हम मार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें बाहर की चीज़ों को अचीव करने के साथ साथ हमें हमारे अंदर क्या चीज़ें चाहिए उसको वो चीज़ ज़रूर देना चाहिए। अगर आपको कोई खाना पसंद है बहुत अच्छा, तो आप उसको बना लो और खाओ। आपको कोई कपड़े पहनना पसंद है तो आप उसको पहनो। आपको कहीं घूमना पसंद है तो आप जाओ घूमो, भले आपको अकेले जाना पड़े। आपको अगर कोई जॉब करना था तो उस जॉब में आपका मन नहीं था, जैसे कि आपको स्पोर्ट में जाना रहता है, किसी को डांसिंग में जाना रहता है, किसी का बचपन से शौक होता है डांस करने का, लेकिन अपने बचपन में नहीं की
फैमिली की वजह से या फिर किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो अब डांस करना स्टार्ट करो। किसी को पेंटिंग पसंद होता है तो आप पेंटिंग करना स्टार्ट करो। किसी को शायरियाँ लिखना पसंद होता है तो आप शायरियाँ लिखो। सबका अलग अलग होता है। किसी को बास्केटबॉल खेलना पसंद होता है, किसी को कुछ खेलना पसंद होता है। तो अपनी छोटी छोटी खुशियों, छोटी छोटी हैबिट्स पे ध्यान दो। हमारी सोल क्या कहती है, हमारी अंतरात्मा क्या चाहती है, हमारा जो अंदर जो छोटा सा बेबी है वो क्या चाहता है। बाहर की चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हो तो खुद के अंदर की चीज़ों पे भी ध्यान दो। वही है इसको खालीपन महसूस होता है इसको, क्योंकि उसको अंदर से वो प्यार चाहिए और वो आप ही दे सकते हो क्योंकि वो आपके अंदर है। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी इस वीडियो से दोस्तों। तो मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर भी जो खालीपन है वो खालीपन आपको ना लगे, आप अपने आप में भरपूर और संतुष्ट रहो। इसके लिए आप अपने ऊपर काम करो।